फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ग्रेट स्टडी पे। फ्रेंड्स, RRB NTPC से रिलेटेड एक बहुत बड़ी अपडेट जारी कर दी गई है। फ्रेंड्स, यहां पे NTPC एग्ज़ाम का आंसर की जारी कर दिया गया है। अभी जस्ट कुछ दिन पहले फ्रेंड्स यहां पे फी रिफंड का यहां नोटिफिकेशन जारी किया गया था और बैंक डिटेल मॉडिफिकेशन का लिंक एक्टिवेट किया गया था और फाइनली फ्रेंड्स यहाँ आंसर की का डेट दे दिया गया है और यहाँ पर डेट भी मैंसन है कि किस तारीख से यहाँ पर आंसर की जारी कर दिया जाएगा। और साथ में यहाँ और भी अपडेट इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर ले फ्रेंड्स, ताकि जब भी न्यू वीडियो लाऊं तो आपको पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं RRB के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ और जैसा कि देख पा रहे हैं 13/8/2021 के डेट में CA नंबर 01/2019 NTPC पोस्ट का नोटिस फॉर ऑब्जेक्शन ट्रैकर 4CBT1 और इसे फ्रेंड्स डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देख रहे हैं फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और यहाँ पे है व्यूइंग क्वेश्चन पेपर रिस्पांस एंड की राइजिंग ऑब्जेक्शन इफ एनी क्वेश्चन या ऑप्शन की, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर की अपना देख सकते हैं क्वेश्चन का पेपर और उसमें जो है ऑब्जेक्शन भी आदि, क्वेश्चन से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्शन है तो वहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे फी भी रखा गया है कि एक क्वेश्चन का कितना यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, द NTPC बेस्ड CV टेस्ट फॉर NTPC पोस्ट अगेंस्ट CN नंबर 01/2019 वाज कंडक्टेड फ्रॉम 28 अगस्त 2020 टू 31 जुलाई 2021 तक, यानी ये NTPC का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा चुका है। इन ऑर्डर टू अनेबल कैंडिडेट्स हु अपीयर इन CBT1, और जो कैंडिडेट CBT1 में अपीयर किए हैं, व्यू देयर क्वेश्चन पेपर, वो अपना क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं और रिस्पॉन्स एंड आंसर की। ए लिंक हैज बीन प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट RRB विच विल बी एक्टिवेट फ्रॉम 16 अगस्त 2021 से 23 अगस्त 2021 तक। तो फ्रेंड्स, जो कैंडिडेट यहाँ CBT1 में अपीयर हुए हैं उनका जो है पेपर का क्वेश्चन पेपर और आंसर की यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा और वो डेट रखा गया 16 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में। यहाँ पे आप क्वेश्चन में यदि कोई त्रुटि है या ऑप्शन में तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ऑब्जेक्शन राइज भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे 16 से 23 अगस्त के बीच में। आगे है, आफ्टर व्यूइंग द डिटेल एज अबव ऑब्जेक्शन इफ एनी रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑप्शन एंड आंसर की पब्लिश कैन बी राइज बाय द कैंडिडेट फॉर विच द टाइम शेड्यूल फी एंड प्रोसीजर इज गिवेन, यानी कि किन्हीं कैंडिडेट को कोई क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन डालना है या कोई ऑप्शन में गलती है या क्वेश्चन में, तो वो जो ऑब्जेक्शन डालेंगे उसका भी नीचे प्रोसीजर दिया गया है और यहाँ पे डेट भी दिया गया है कब से कब तक और कितना फी यहाँ पे इस प्रोसीजर में लगेगा वो भी बताया गया है। तो यहाँ पे टाइम टेबल देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है व्यूइंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर रिस्पॉन्स एंड की, तो यहाँ पे 16/8 अगस्त से शुरू हो जाएगा और राइजिंग ऑफ ऑब्जेक्शन अगेंस्ट द क्वेश्चन या ऑप्शन एंड की एंड ऑनलाइन फी पेमेंट, तो कैंडिडेट कोई क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं आंसर की में 18 अगस्त से, यानी कि 16 तारीख से यहां पे आंसर की क्वेश्चन पेपर जारी किया जाएगा, उसके दो दिन बाद यानी 18 तारीख से आप ऑब्जेक्शन उस क्वेश्चन में यदि त्रुटि है तो आप डाल सकते हैं। क्लोजिंग ऑफ द व्यू ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्शन राइजिंग एंड पेमेंट विंडो, यानी कि जो क्लोज डेट रहेगा क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन डालने का या पेमेंट करने का वो 23 अगस्त तक रहेगा, यानी 23 अगस्त के बाद आप कोई भी क्वेश्चन पे यहाँ पे ऑब्जेक्शन राइज नहीं कर सकते हैं ना ही पेमेंट कर पाएंगे आप। आगे है फी, तो फी यहाँ पे ये दिया गया फ्रेंड्स अपडेट, द प्रेस्क्राइब फी फॉर राइजिंग ऑब्जेक्शन इज 50 रुपया प्लस एप्लीकेबल बैंक सर्विस चार्जेस पर क्वेश्चन, यानी कि आप जो जिस क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन डालेंगे उसका पर क्वेश्चन 50 रुपये रखा गया है चार्जेस और यहाँ पे सर्विस चार्जेस अलग उसमें लगेंगे। इन केस ऑब्जेक्शन राइज इज फाउंड टू करेक्ट, यदि आपके जो क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन डालेंगे उस वो यदि करेक्ट पाया गया, द फी पेड अगेंस्ट सच वैलिड ऑब्जेक्शन शैल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट, अगर ऑब्जेक्शन सही पाया गया तो कैंडिडेट का जो फी है वो पेमेंट कर दिया जाएगा और रिफंड कर दिया जाएगा। द रिफंड विल बी मेड ऑफ अकाउंट फ्रॉम वेयर कैंडिडेट हैज मेड द ऑनलाइन पेमेंट, यानी कि जो फी रिफंड होगा वो कैंडिडेट के जिस माध्यम से वो पेमेंट किए हैं जिस बैंक से उसी बैंक में
रिफंड कर दिया जाएगा। यदि क्वेश्चन सही पाया जाता है तो, यानी ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है तो, यदि आपका ऑब्जेक्शन रॉन्ग पाया गया तो आपका कोई भी फी यहाँ पर रिफंड नहीं किया जाएगा। आगे है फॉर पेमेंट यूजिंग डेबिट कार्ड, आप किस माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। पहला है ऑल बैंक रुपये डेबिट कार्ड आर अलाउ, दूसरा है SBI वीजा मास्टर डेबिट कार्ड आर अलाउ, और थर्ड में अदर बैंक वीजा मास्टर डेबिट कार्ड कैन नॉट बी यूज्ड, यानी कि अदर बैंक का यहाँ पे SBI का और रुपये डेबिट कार्ड से ही सिर्फ पेमेंट लेगा, और अदर बैंक वीजा मास्टर डेबिट कार्ड कैन नॉट बी यूज्ड, यानी आपको SBI बैंक या SBI के ATM या आपके डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, या फिर जो बैंक रुपये कार्ड जारी किया है करता है उससे पेमेंट कर सकते हैं। आगे है प्रोसीजर ऑफ राइजिंग ऑब्जेक्शन, द डिटेल प्रोसीजर विथ नेसेसरी गाइडलाइन विल बी अवेलेबल इन द लिंक प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट। यानी फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन पे किस तरह से ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं उसका ज़रूरी गाइडलाइन यहाँ पे, जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा उस पे आपको गाइडलाइन का वहाँ पे डिटेल दे दिया जाएगा। फोर्थ में कैंडिडेट आर एडवाइज टू राइज ऑब्जेक्शंस इफ़ एनी वेल बिफोर द फाइनल डेट एंड टाइम, यानी 23/8/2021 तक आपको जो भी ऑब्जेक्शन राइज करना है क्वेश्चन रिलेटेड, वो 23 तारीख तक आप इतना टाइम तक आप कर सकते हैं। आफ्टर विच नो रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द कैंडिडेट ऑन द क्वेश्चन ऑप्शन की ETC विल बी इंटरटेन्ड, यानी कि इसके बाद आपको कोई भी ऑब्जेक्शन का मौका नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन या ऑप्शन या आंसर की के से। फाइव में है द डिसीजन ऑफ RRB ऑन द ऑब्जेक्शन राइज शैल बी फाइनल एंड बाइंडिंग एंड नो फर्दर करस्पोंडेंस शैल बी इंटरटेन्ड फ्रॉम द कैंडिडेट इन द मैटर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारा डिटेल जारी कर दिया गया है कि आप किस तरह से यहाँ पे कितना फ़ी आपको देना पड़ेगा पर क्वेश्चन का, और कब से कब तक यहाँ पे आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, 13/8/2021 की डेट में, यानी आज ही के डेट में फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन निकाला गया है RRB की तरफ से। तो इस तरह से फ्रेंड्स NTPC का जो आंसर की 16 तारीख को जारी कर दिया जाएगा, और दो दिन के बाद यानी कि 18 तारीख से आप, यानी 18 अगस्त से आप, यदि आपके क्वेश्चन में कोई गलती है या ऑप्शन में या कोई भी त्रुटि है फ्रेंड्स क्वेश्चन रिलेटेड, तो आप यहां पे ऑब्जेक्शन कर पाएंगे। बट ये डेट दिया गया है 13 अगस्त से 23 अगस्त तक आपको, 18 अगस्त से 23 अगस्त तक आपको ऑब्जेक्शन करना होगा। तो फ्रेंड्स, यहां पे इस वीडियो में बस इतना है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो यदि पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।